हेलो दोस्तों, प्रभाज किचन में आप लोगों का स्वागत है। होली का समय है, गुजिया बनाने का समय है, तो हमने सोचा चलिए कुछ अलग आज गुजिया बनाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ गुलकंद की गुजिया। ये गुजिया बहुत अच्छी होती है, खाने में भी एकदम अलग तरीके की गुजिया लगती है। तो अब की बार अपने मेहमानों के लिए आप कुछ अलग तरीके की गुजिया बनाइए। तो चलिए आप लोग इंजॉय करिए हमारी इस गुलकंद गुजिया के साथ। गुलकंद से गुजिया बनाने के लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए। हमने ये आधा किलो मैदा ले लिया है, ये 200 ग्राम मिल्क पाउडर है, और ये 100 ग्राम गुलकंद है। गुलकंद बाजार में आराम से मिल जाता है, और आजकल तो बाबा रामदेव के जो भी स्टोर है उस पे मिल जाता है। ये देखिए हमने बाबा रामदेव का ही मंगाया है। आप कहीं भी बाबा रामदेव के स्टोर पे देखेंगे तो बहुत अच्छा है, इनका बहुत ही अच्छा गुलकंद है, तो आप वहां से गुलकंद ले सकती हैं। और ये हमने थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिया है। ये 4 चम्मच हमने भूरा शक्कर लिया है। शक्कर हमने कम लिया है क्योंकि गुलकंद में भी शक्कर होता है और मिल्क पाउडर में भी शक्कर होता है। और ये हमने 2 चम्मच देसी घी लिया है, जिसको हम मोयन देंगे। और ये हमने दूध लिया है, दूध से हम आटा गूंथेंगे। दूध की जगह आप पानी ले सकती हैं। और ये हमने तलने के लिए तेल लिया है। तो चलिए आज हम एकदम अलग नया तरीके से गुजिया बनाने जा रहे हैं, गुलकंद गुजिया। हेलो फ्रेंड्स, पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन की रेसिपी जानने के लिए प्रभास किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ये पहले हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे, इसमें अपना ये मैदा डाल देंगे और इसी में ये हम देसी घी अपना डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। को हमें अच्छे से हाथ से मिलाना है। अगर मोयन कम लगता है तो आप और घी डाल सकती हैं। ये अभी थोड़ा सा मोयन हमारा कम लग रहा है, इसलिए इसमें हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे। ये हमने अच्छे से घी मिला लिया और हमें इस तरह से अंदाज मिलता है कि मोयन हमारा ठीक है कि नहीं। अगर इस तरह से मेरा आटा जो है बदने लगे तो समझ लीजिए कि मेरा मोयन एकदम परफेक्ट है। अब हम ये दूध लेंगे और इसी दूध से हम अपने आटे को गूंथेंगे। आटा हमें बहुत ढीला नहीं गूंथना है। ये देखिए आटा हमारा अच्छे से गूंथ के तैयार हो गया। आटा हमें बहुत टाइट भी नहीं गूंथना है और बहुत मुलायम भी नहीं गूंथना है। जिस हिसाब से हम मठरी के लिए आटा गूंथते हैं उसी हिसाब से हमें इसको गूंथना है। अब हमें आटे को थोड़ी देर के लिए इस तरह से करके थोड़ी देर के रख रख देंगे। आटा हमारा गूंथ गया। अब हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें ये मिल्क पाउडर डाल देंगे और उसी में ये शक्कर भी डाल देंगे और ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इसी में ये गुलकंद डाल देंगे। डाल के इसको हमें अच्छे से मिलाना है। इस तरीके से, ये हाथ से चम्मच से नहीं मिलता तो हम हाथ से मिला लेंगे। ये देखिए मेरा भरावन तैयार हो गया। ये बहुत ही अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम अपनी गुजिया बनाते हैं। गुजिया बनाने से पहले हम अपना एक गुजिया को चिपकाने के लिए तैयार कर लेते हैं। ये हमने 1 चम्मच मैदा ले लिया है और उसी में हम ये 2 चम्मच दूध डाल देंगे, क्योंकि हमें गुजिया अगर हम चिपकाएंगे नहीं किनारे से तो वो खुल जाएगी, इसलिए हमें इसको जरूर बना के रख लेना चाहिए।
ये बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है। थोड़ा और पानी डाल दें इसमें। ये देखिए इस तरह से ये बन गया है। इसको हम इधर अलग रख देते हैं। अब हम अपनी गुजिया बनाते हैं। और ये जो हमने आटा गूंथ के रखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा निकाल के इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे से गूंथ लेते हैं। ये देखिए मेरा आटा बनके एकदम तैयार हो गया। अब इसको हम दो भाग में बांटेंगे। एक हम इधर रख दे रहे हैं और एक ये मेरे पास है। इसको हम इस तरह से लंबा बना लेंगे और छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे इसमें। इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब इसका एक किनारा इसको हम काट के निकाल दे रहे हैं। अब हम अपनी लोइयां बना लेंगे। लोइयां हमको अपने हिसाब से बनाना है कि कितना मोटा कितना पतला हमको रखना है। इस तरह से लोइयां बनाने में आराम रहता है और एक बराबर लोई कट भी जाती है और जल्दी भी हो जाती है। ये देखिए अब हम एक एक लेके इस तरह से बना बना के इसको रख लेंगे। ये हमारी सारी गोलियां बनके तैयार हो गई है। अब हम अपनी गोली को इसमें रख देंगे इस तरह से। इतना सूखा आटा है कि एकदम से चिपकेगा नहीं। अब इसको हम प्लेट को इधर रख देते हैं। अब एक एक गोलियां इसमें से लेंगे और इसको बेल के रखेंगे। देखिए इस तरह से सारी गोलियां हम बेल लेंगे। ये हमको इतना महीन आर पार दिखाई पड़ जाए इस तरह से हमें इसको बेलना है। ये देखिए इस तरह से पतला पतला बेल के हम सारी लोइयां रख लेंगे। इस तरह से बनाने में हमको बहुत आसान होता है और जल्दी बन भी जाता है। थोड़ा हमें बड़ा ही बेलना है क्योंकि ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है धीरे धीरे, क्योंकि ये मैदा है ये थोड़ा सा खींचता है इस तरह से। ये देखिए हमने सब अच्छे से बेल लिया है। अब हम इसको अपना भर के बनाते हैं। अब हम अपना एक पूड़ी इस तरह से उठाएंगे और इस पे ये जो हमने भरावन रखा है इसको इस तरह से इस पे भरेंगे। वैसे गुजिया भरना तो सबको आता होगा, ऐसा नहीं है। इस तरह से करके और ये जो हमने मैदा घोल के रखा हुआ था इसको हम इस तरह से किनारे पे चिपकाएंगे। इसको चिपकाने से ये मेरे गुजिया जो है खुलती नहीं है। तो इस तरह से हम इसको चिपका देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बन के तैयार हो गई। हम इस गुजिया को मशीन से नहीं काटेंगे। आज हमने इसके लिए लिया है एक पिज्जा कटर ले लिया है। इसी से हम इसको हल्के हाथों से काटेंगे, ज्यादा नहीं काटेंगे। ये देखिए आप चाकू से भी काट सकती हैं। इस तरह से हम इसको हल्के हाथों से काट देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई, एकदम अलग तरीके से गुजिया बनी है। तो इसी तरह से हम अपनी सारी गुजिया बना के रख लेंगे। अब हम दूसरी बनाते हैं। ये भी आपको दिखा देते हैं। इस तरह से फिर चिपकाएंगे सब इसी तरह से। हम इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे तो इसको हमें काटने में आराम रहेगा। इस तरह से हम इसको, ये देखिए इसको रखेंगे गुजिया को इस तरह चिपका के।
आप चाकू से भी काट सकती हैं, आप मशीन से भी बना सकती हैं। ये इस तरह से हम ये देखिए इस तरह से काट के हम सारी गुजिया बना लेंगे। ये लीजिए मेरी गुलकंद गुजिया बनके तैयार हो गई। अब इसको हम चल के तलते हैं, गैस चलाते हैं और इस पे ये कढ़ाई रख देते हैं और इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल हमें थोड़ा कम लग रहा है इसलिए हम इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे। तेल हमारा एकदम से गर्म हो गया है। अब इसमें हम अपनी जो गुजिया बना के रखे हैं इसमें डालेंगे। गुजिया को आप मशीन से बना सकती हैं, हम ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो मेरा मन था इसलिए हमने इस तरह से बनाया। ये हमें ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा ही डालना है क्योंकि गुजिया हमारी फूलेगी। गैस अब हम धीमी कर देंगे और इसको धीरे धीरे से पकने देंगे। ये देखिए गुजिया बनके तैयार हो गई है। अब इसको हम एक प्लेट लेंगे और उसमें निकाल लेंगे से। ये देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनके तैयार हुई है। ये देखिए कितनी बढ़िया फूली है। इसी तरह से हम अपनी सारी गुजिया तल के रख लेंगे। ये लीजिए मेरी गुलकंद गुजिया बनके तैयार हो गई है। अब आप लोग भी इस गुजिया को इस होली में जरूर बनाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। आपके मेहमान जरूर आपको कॉम्प्लीमेंट दे के जाएंगे कि आपने इस तरह से गुजिया बनाया। तो चलें आप लोग इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू, गुड डे।